हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो देखो, मैं कक्षा एक हिंदी के बुक रिमझिम भाग एक के अगले पार्ट को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर एक हाथी है। हाथी पर एक आदमी बैठा है जो कि हाथी को चलाता है, इसको हम महावत बोलते हैं। और हाथी के ऊपर पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि हाथी पर सवारी कर रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा है। तो आज के पाठ का नाम है हाथी चल्लम चल्लम। यह आपकी हिंदी बुक रिमझिम भाग एक का पाठ 22 है और इसका नाम है हाथी चल्लम चल्लम। तो इसको हम पढ़ेंगे और ये पाठ बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको हम पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे साथ पढ़िए। चांद हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूंड अटकता झमम झमम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी दे थुलथुली थलल थलल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चलत, खंभे जैसे पांव धपा धप बढ़ते घमम, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम लगम लगम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घमम घमम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। ये देखो, हाथी मुझे से नाच रहा है, हाथी मेरे साथी, बताओ तो जाने ये कौन है जो हाथी को चलाता है। इसको बोलते हैं महावत। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो महावत। ये हाथी को मारने के लिए है, इसको चाबुक बोल सकते हो, है ना। ये हाथी की सूंड है, ये हाथी का पैर है, ये हाथी की पूंछ है, ये हाथी का कान है और ये हाथी की डोली है, इस पर बच्चे बैठते हैं। तो कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम 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 सूंड। तो ये कविता को देखकर आप इसके खाली स्थान को भर सकते हो, है ना। कविता पढ़ो और ये खाली स्थान को भरो। तो बताओ बच्चों, ये कहानी जो हाथी के बारे में कविता है, कैसी लगी आपको? क्या आपको हाथी की सवारी करना पसंद है? क्या आपने पहले हाथी की सवारी की है? तो ये सब बातों को बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स उपयोग कर सकते हैं कि हाथी की सवारी आपने की है तो हाँ लिखिए, और नहीं की है तो नहीं लिखिए। तो अगले पार्ट को पढ़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब अगले पार्ट का वीडियो बनकर तैयार हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को
अपने बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस पाठ हाथ से चल्लब चल्लब का आनंद ले सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही आप सभी लोगों को धन्यवाद।